जिला कलेक्टर अरवल ने आज जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उसके बाद ब्लड बैंक में रक्तदान किया। रक्तदान के बाद उन्होंने पीएमओ चैंबर में मीटिंग ली। मीटिंग में समस्त विभागाध्यक्ष, बायोमेडिकल इंचार्ज एवं चिकित्सालय के मैटर्न स्टोर एवं मेंटेनेंस प्रभारी तथा कार्यालय लेखा अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने सभी कार्यक्रमों की प्रोग्रेस रिपोर्ट एवं समस्याओं पर जिला चिकित्सालय प्रशासन से चर्चा की। ब्लड बैंक का उन्होंने विजिट कर बायोमेडिकल वेस्ट एवं उनके द्वारा पूर्व विजिट में दिए गए निर्देशों पर की गई अनुपालना पर भी चर्चा की। H9N2 बीमारी के बढ़ते हुए प्रकोप और अस्पताल में तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जी, आज यहाँ पे अपने हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, तो उसी के अंतर्गत हमने भी ब्लड डोनेट किया है। और मैं सभी नागरिकों से, अलवर जिले के सभी नागरिकों से अपील करना चाहता हूँ कि रेगुलरली ब्लड डोनेट करें। पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ये ब्लड डोनेट करने से भी आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, क्योंकि उसमें आपके जो रूटीन चेकअप हैं वो सब आपके हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आप डोनेट करने लायक हैं कि नहीं है, और यदि हैं तो ये एक बहुत ही पुण्य का काम है, और पुण्य का काम होने के साथ साथ एक बहुत ही मामूली काम है। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसको लेके अगर कोई भ्रांतियां हैं, किसी के दिमाग में कोई वहम है, तो अपने को दूर करना चाहिए। ये एक बहुत रूटीन काम है जो कि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो है वो आराम से कर सकता है। इसमें 3 महीने का गैप देना होता है 2 बार डोनेट करने के बीच में, लेकिन उसके अलावा इसमें ऐसी कोई हेल्थ रिस्क नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और यदि आपको किसी तरह के कोई डाउट हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं डॉक्टर्स के साथ, लेकिन ये काम जरूर करें। ऐसे बहुत से मरीज हैं जिनको कि खून की आवश्यकता है, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे कोई जानकार, हमारे कोई रिलेटिव्स जो हैं उनको आवश्यकता पड़े, तो ऐसे स्थिति में हमें उसकी जो है कीमत पता चलती है। तो ऐसी नौबत ना आए, हमेशा हमारे ब्लड बैंक्स जो हैं वो सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए आवश्यक है कि सभी लोग इसको जिम्मेदारी मान के करें। जी, ब्लड बैंक में यहाँ पे काफी व्यवस्थाएं हैं, जो है ब्लड के जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने की यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है, और जिस कंपोनेंट की आवश्यकता होती है उसी का इस्तेमाल किया जाता है। और स्टोरेज की व्यवस्था भी यहाँ पे काफी सुचारू है। जहाँ पे रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता है वहाँ पे उसको सही तरीके से रखा जा रहा है, और बाकी हम रूटीन में समय समय पर इसकी जांच करते रहेंगे।